वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई का वो वीडियो है, कल से लगातार सोशल मीडिया पर, क्या वीडियो, क्या पूरी हुई। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम के लाडलों की जय हो, आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई की करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा हैं। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं। प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें, हमारा आपके साथ है। धन्यवाद।